ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने घर से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह के काले जादू को अपने ऊपर या फिर अपने परिवार के ऊपर होने से रोक सकते हैं। अति प्राचीन जो शमन होते थे वो अपने घर की रक्षा के लिए यूज करते थे स्मजेस, जो कि अनेकों जड़ी बूटियों से मिलकर बनते थे, और इनको जलाने से घर के अंदर का वातावरण शुद्ध हो जाता था। प्राचीन काल से ही लोग इस विद्या को जानते हैं और आज भी यूज कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप स्मजेस बना सकते हैं, और अगर ये जड़ी बूटी आपके घर के आसपास या फिर बाजार में उपलब्ध ना हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस जड़ी बूटी को, इस हर्ब को जलाने से जितनी भी नकारात्मकता है आपके घर में वो सारी दूर हो जाएगी। इसके यूजेस हैं, आप इसको अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में इसका जो है धुआं कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सेल्स में इंक्रीज होगा। अगर आपकी दुकान ठप पड़ी है, चल ना रही हो, तब आप इसको जला सकते हैं। अगर घर में किसी के ऊपर काला जादू किया हुआ या फिर आपको भारीपन महसूस होता है तो आप इसका धुआं अपने घर में कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर ओपरी है, किसी ने बुरी नज़र किसी पे कर दी है या फिर किसी की बीमारी जो है वो ठीक ही नहीं हो रही, तो आप इसका धुआं अपने घर में कीजिएगा, और यकीन मानिए पहले दिन से आपको असर दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि सिर्फ आपके घर को नहीं, आपके घर के 10 किलोमीटर के रेडियस में जो जो आएगा उस को ये पवित्र कर देगी। जी, अगर आप इसको किसी मंदिर में जलाते हैं तो उसके आसपास का 10 किलोमीटर का रेडियस जो है वो पवित्र हो जाएगा, कोई भी काली आत्मा वहां भटक नहीं सकती। ये बहुत ही प्राचीन और अति दुर्लभ रेयर हर्ब से बना हुआ है, जो कि आजकल के ज़माने में ढूंढना या फिर उनको पता करना बहुत मुश्किल है। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे कॉल कीजिएगा 9999841625 पर। और अगर कोई ऐसी बीमारी हो जो कभी किसी से ठीक ही ना हो रही हो, तो उसके लिए ये रामबाण औषधि है, एक बार इसको प्रयोग में ज़रूर लाएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल से ही हमारे जो पूर्वज हैं वो इस विद्या को जानते थे कि काली विद्या को कैसे हटाना है। अगर किसी पर काला जादू, बुरी नज़र हो जाए तो उसको कैसे हटाना है, इसके बारे में वो बखूबी जानते थे। और उनका जो एक सबसे बड़ा हथियार था इसको हटाने के लिए, वो था स्मजेस। ये कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जिनको अगर आप घर में जलाते हैं तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। इसको अपने घर में हफ्ते में एक बार जला दीजिए तो जितना भी काला जादू होगा, किया कराया होगा, वो आपके घर में टिक ही नहीं पाएगा। ये अति प्राचीन औषधि है जो कि बरसों से यूज़ हो रही है, और आज मैं इसको आपको फिर से बनाकर दिखाता हूँ। ये जो हर्ब्स हैं ये मैंने हिमालय से कलेक्ट किए हैं, और इनको एक सफ़ेद धागे में बांधना होता है। इसके बाद इसको जलाकर अपने पूरे घर में इसका धुआं कीजिए तो जो भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी और शुभता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। इसको आप जब आप फील करें कि आपका बिजनेस ठप हो गया है या फिर कहीं से भी कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही हो, एक दबाव से महसूस हो रहा हो, बीमारियाँ आपको घेर लें, उस समय इसको यूज़ कीजिएगा। तो जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी, वो दूर हो जाएगी। और ये एक आजमाया हुआ तंत्र है, इसको कीजिएगा और पाइएगा कि आपके भीतर एक हल्कापन सा आ जाएगा इसको जलाने के बाद। आप बस इसको मोमबत्ती से या फिर माचिस से जला सकते हैं, और इसके बाद इसको पूरे घर में इसका धुआं कीजिए जो कि आपके आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर देगा। चलिए शुरू करते हैं।
अब इसका जो धुआं है ये पूरे घर में कर दीजिए। इसके बाद जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपके घर में टिक नहीं पाएंगे। आपके ऑफिस में हो, आपके घर में हो, बस इसका धुआं ही काफ़ी होता है इन सब को दूर भगाने के लिए। अपने पूरे घर में इसका धुआं कीजिए और फिर देखिए किस तरह से ये नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है आपके घर से।